HDFC बैंक टाटा न्यू कार्ड अप्लाई करने के लिए न्यू एप्लीकेशन में जाना है। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्रेडिट कार्ड वाले सेक्शन में जाना है। फाइनेंस वाले में जाने के बाद यहाँ क्रेडिट कार्ड का एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद आपको आपका पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है, ऑटोमेटिकली डाल दीजिएगा। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिस मोबाइल नंबर से आपने इस एप्लीकेशन में लॉगिन किया था। हो सके तो उसी मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिएगा जो आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है या आधार से रजिस्टर्ड है। बेसिक डिटेल मैंने यहाँ पे सारी फिल कर दी है, सैलरी, सेल्फ एम्प्लॉयड, ये सब चीज़ पूछा जा रहा है। मैं अपना एड्रेस वगैरह यहाँ पे डाल देता हूँ, एड्रेस वगैरह फिल कर देता हूँ, सारी चीज़ें यहाँ पे कर देता हूँ, सेम एड्रेस डाल देता हूँ। देखो, इस कार्ड को लेने के पीछे केवल इतना सा रीज़न है कि ये रुपए वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड है, तो रुपए का क्यों मैं लेने की सोच रहा हूँ ये आपको पता ही है। अगर आप भी अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है तो टाटा न्यू एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। 48,000 रुपये की क्रेडिट लिमिट मेरे को यहाँ पर दिखाई जा रही है, 499 प्लस GST चार्ज होता है, लेकिन ये फर्स्ट ईयर के लिए जो है एब्सोल्युटली फ्री है। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग चार्जेस वगैरह लगेंगे, तो अभी के लिए फ्री है। टाटा न्यू ऐप पे देख सकते हैं 7% आपको मिल जाता है, 2% पार्टनर टाटा न्यू ब्रांड पे मिल जाता है, 2% यूटिलिटी बिल पेमेंट रिचार्ज पे मिल जाता है, 1% अदर स्पेंड्स पे मिल जाता है। बहुत सारे इनके खुद के ब्रांड हैं, इन पे किसी शॉपिंग करते हो तो काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। देखो, यहाँ पे मोर वाले सेक्शन पे चलेंगे तो यहाँ पे वीज़ा से भी मिलता है और रुपए से भी आपको ये कार्ड देखने को मिल जाता है। तो सिंपली अभी देखो, यहाँ पे हम प्रोसेस बटन पे क्लिक करते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, आप अपना मदर्स नेम बताइए। उसके बाद कह रहा है कीप योर आधार, पैन कार्ड और वाइट पेपर और हाई क्वालिटी इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं, ये सभी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी है, इकट्ठा हम यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद बोलेगा कि भैया टर्म्स एंड कंडीशन आ रही है, इन्हें आप एक्सेप्ट करिए। एग्री वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद आधार नंबर डालना है। EKYC के लिए आधार नंबर अपना एंटर कर दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करते हैं, आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को आपको वेरीफाई करा देना है, वेरीफाई करा दीजिएगा, OTP आपको यहाँ पर आ जाएगा। देखो, OTP वगैरह वेरीफाई करने के बाद ही कह रहा है कि भैया पैन कार्ड और अपना आधार कार्ड और एक वाइट पेपर साथ में रखना स्टार्ट कर दो। अब आपके साथ एक हम वीडियो KYC करेंगे, तो उसके लिए आपको इन सभी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन हमको यहाँ पे दिए गए हैं और इंस्ट्रक्शन को हम अच्छे से फॉलो करते हैं। कुछ परमिशन मांगेगा, उसको हमें अलाउ कर देना है। और यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी, किस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, पैन कार्ड कॉपी ये सब चीज़ें डाल दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर वीडियो KYC करना है, तो फटाफट से आगे हम वीडियो KYC कर लेते हैं। इस तरीके से आपको जो है HDFC बैंक का न्यू टाटा कार्ड मिल जाएगा। सर, HDFC बैंक में आपका स्वागत है। जी सर, मेरा नाम हरमन है सर, आपके क्रेडिट कार्ड की KYC पूरी करने में हेल्प करूंगा आपकी मैं। आपका नाम जान सकता हूँ जी? सर, मेरा नाम नितेश अग्रवाल है। नितेश जी, मैं आशा करता हूँ आपके फैमिली में सब ठीक है। जी सर, बिल्कुल बढ़िया। ग्रेट सर, आपके पास पैन कार्ड, पेपर, पेन, डॉक्यूमेंट्स रेडी है सर अभी? जी सर है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे सर, जो कि बेसिक आपकी KYC के रिगार्डिंग है। जी, कुछ चीजों का ध्यान रखें सर, जब आप आंसर दें बीच में प्लीज कोई हेल्प ना करें, कैमरा में देखकर आंसर कंफर्म कर दीजिए। जी जरूर जरूर। जान सकते हैं सर कौन से शहर, कौन से राज्य से कॉल कर रहे हैं? जयपुर, राजस्थान से। ठीक है जी, आपके स्क्रीन पे एक रैंडम कोड जनरेट हुआ, मुझे बता दीजिए। 862581। शुक्रिया सर, आपका फोन नंबर बता दीजिए। 9769। ठीक है जी, आपने एम्प्लॉयमेंट है फॉर्म डाला, सैलरी, जॉब करते हैं सर? जी सर। और आपने कंपनी डाला डेश इंफ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, करेक्ट? करेक्ट। ठीक है, आपका फोटो कैप्चर करना है, कैमरा में बने रहे। ठीक है, बैक कैमरा ऑन करके पैन कार्ड दिखाएंगे जी आप? बैक कैमरा मैं ऑन कर देता हूँ। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। लास्ट पेपर है, इसमें कुछ सिग्नेचर करना है, प्लीज आप साइन कर दीजिए। प्लेन पेपर होगा सर आपके पास? हाँ बिल्कुल, प्लेन पेपर है ना? बिल्कुल प्लेन है। हाँ जी, इस पे साइन कर दीजिए। एक सेकंड रुकिए। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपको जल्दी एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा मोबाइल नंबर पे फाइनल स्टेटस के साथ सर। जैसे ही आपको कंफर्मेशन मैसेज आएगा, KYC आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया HDFC बैंक चूज करने का सर। सेम टू यू सर, कॉल कर सकते।